मेरी पूरी करियर में पहली बार है दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट. मैं तो एक हफ्ते से डाइटिंग कर रहा हूँ. अच्छा. आज के इंतजार में आज सिर्फ ये वर्कआउट करेंगे बस. वाओ. खाना खाना किसको नहीं पसंद है, और चटपटा खाना हो तो हर किसी को इंडिया में चटपटा खाना पसंद है. कभी माँ की डांट पड़ती है और वो स्पेशल खाना जो मिलता है, कभी दोस्तों के साथ में मैगी खाना, और कभी ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ में जाके वो टपरी वाली चाय पीना. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have a special guest, Tanuj Virwani, जो स्ट्रीट डायरीज करने वाले एक स्पेशल शो हमारे साथ में, जहाँ पर वो बात करने वाले उनके फेवरेट डिशेस के बारे में, उनकी मेमोरीज विद खाना और बहुत कुछ. आज हम यहाँ पर पाली हिल के खाओ गली पर आए हैं, एंड लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट वेलकम Tanuj Virwani ऑन दिस शो. थैंक यू सो मच Zoom TV, एंड थैंक यू सो मच Samina ji फॉर हैविंग मी ओवर हियर. मेरी पूरी करियर में पहली बार है दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट. आई हैव नेवर डन समथिंग दैट, और मैं इतना खुश हूँ क्योंकि आज जब भी आपने एड्रेस भेजा था कि हमें यहाँ खाओ गली पे आना है, तो मुझे पता नहीं था कि आप इस खाओ गली के बारे में जिक्र कर रहे थे. एंड आई स्पेंड सो मच टाइम हियर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीबॉडी गोइंग डाउन मेमोरी लेन. बचपन से लेके अभी भी, like, you know, you're enjoying your phase as an actor right now. You're doing a lot of movies. अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ नहीं आऊँ, because थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है ना. I'm getting older now, I'm an actor ना. जब हम कॉलेज में थे तो दबा के खाते थे यहाँ पे, या खाते पीते सब कुछ. तो वैसे ही हम लोग दबा के खाने वाले हैं. मैंने स्पेशली तनुज को बोला था कि प्लीज घर से कम खाना खा के आना. मैं तो एक हफ्ते से डाइटिंग कर रहा हूँ. अच्छा. आज के इंतजार में. So let's move quickly जी. to this places. Please. और देखते कौन सी चीजें तनुज को पसंद है और उसको explore करेंगे. और अब तनुज ले रहे हैं literally memory down the lane as we are moving towards a Frankie shop. जी. आप कितना Frankie खाना पसंद करते हो? मुझे Frankie बहुत पसंद है, और खास तौर पे tips जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं. I love their Frankies, you know. उनके एग फ्रैंकीज और चिकन फ्रैंकीज, मटन फ्रैंकीज, एग मटन फ्रैंकीज मुझे बहुत पसंद थे. तो लुकिंग फॉर काफ़ी साल हो गए वो खा के, तो हाँ मज़ा तो आने वाला है. और फिर सजा भी भुगतना होगा उसके बाद. वर्कआउट तो कर ही लोगे. अरे यार, आज सिर्फ ये वर्कआउट करेंगे बस. बस एग मटन फ्रैंकी. नॉट नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट वेरी वेरी गुड फॉर सुकून एंड स्टेट ऑफ माइंड. एग में प्रोटीन है तो सोच लो. हां, प्रोटीन है ना. हां, तो गुड फॉर हेल्थ. तो गुड फॉर हेल्थ, सही बात है. चलो ऑर्डर करते. आपके पास अभी भी वो रोल है, वो क्लासिक मटन रोल, और पनीर में तवा पनीर. ओके, ये लो तवा पनीर. ओके डन. दिस इज द प्लेस. दिस इज द प्लेस. तनुज, मुझे आप जब कॉलेज की बात करते हो, डिड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एक्टिंग एवर सिंस देन? इन कॉलेज आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग. क्या है ना कि जब आप स्कूल में रहते हो तो आपको पता है कि नेक्स्ट आप अभी कॉलेज में जाने हो, मतलब जूनियर कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो, फिर आपको पता है कि अभी आप सीनियर में जाने वाले हो. आफ्टर दैट आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि होने वाला क्या है लाइफ में. यस, मुझे लगा था कि मैं फिल्म से जुड़ा कुछ करूंगा, बट बिकॉज आई वॉज एक्चुअली वेरी फैट देन, मे बी बिकॉज ऑफ दिस फ्रैंकीज. सो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक एक्टर बनूंगा. दैट आई हैड द कॉन्फिडेंस और द टशन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो मुझे लगा कि चलो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ, राइटर बन जाऊँगा, डायरेक्टर बन जाऊँगा, समथिंग बिहाइंड द सीन्स कर लूँगा. देन धीरे धीरे वजन घटता रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एंड दैट्स हाउ आई फाइनली डिसाइडेड कि लेट्स टेक द कॉल, लेट्स बिकम एन एक्टर. तो दैट्स बीन द जर्नी सो फार. जब आप कैमरे पे आते हो सो यू लुक हेल्दियर एंड फैटर देन यू आर इन रियल लाइफ. एंड आई मीन, ये तो चीटिंग है यार. ये कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू स्टे फिट, एंड यू नो वी आल्सो ट्राइंग टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर्स एंड ऑल, बट क्या कर सकते हैं. बट यंगस्टर्स की बात करें तो आपको खाओ गली कौन सी याद है, जब आपके इनिशियल डेज में, यू नो, इन योर स्कूल डेज, इन योर कॉलेज डेज, जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं? सो मेरी स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश माहिम पे हुई थी. तो आयरॉनिकली स्कूल के ऑपोजिट एक अमेजिंग फ्रैंकी स्टोर कॉल्ड श्रीज. तो रोज स्कूल के बाद हम वहाँ जाते थे, चिट चैट करते थे, गॉसिप वॉसिप करते थे, नोट्स एक्सचेंज करते थे. दैट वॉज अ प्लेस. कॉलेज में मैं जब आया तो आई वॉज एच आर कॉलेज, जो कि चर्च गेट पे है. सो ओवर देयर वी हैड अ बटरफ्लाई कैफे हमारे कॉलेज के अंदर, और हमारे कॉलेज के बाहर था राजू चाइनीज. अमेजिंग. हाँ, इट वॉज साम अतरंगी चाइनीज खाना. इट वॉज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ मिशमैश ऑफ इंडियन एंड चाइनीज एंड चाट, ऑल मिक्सड इन टू वन. राजू चाइनीज, गोविल मैदान, जो कि एच आर कॉलेज के बगल में ही है. तो वी सु गो देयर, वी सु हैव द
पनीर भुर्जी, अंडा पाव, बटाटा वड़ा एंड द गन्ने का जूस. गन्ने का जूस तो यानी कि आज तक मैं जब भी साउथ बॉम्बे में शूट करता हूँ, यू नो, हॉनीमून सर्किल, बलाट पियर, जहाँ भी, वेदर इट्स मंडे संडे वॉट एवर, वेदर आई एम डाइटिंग नॉट डाइटिंग, आई हैव टू हैव वन नाइस बिग गन्ने का जूस. दैट इज माई गिल्टी प्लेजर. मुझे चौपाटी पे बादशाह बहुत पसंद है. हाँ, बादशाह के बाद हम लोग जाते थे हाजी अली जूस सेंटर. स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, सीताफल और क्रीम, दैट इज ओ माय गॉड. नेचुरल आइसक्रीम अभी भी है, बट नेचुरल आइसक्रीम इज स्टिल लाइक एन, बट नेचुरल आइसक्रीम याद है, कोकोनट आइसक्रीम एंड यू हैव दिस वन रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जामुन में, ओह यस, जामुन आइसक्रीम वाज अमेजिंग. माय माउथ इज वाटरिंग, वी आर नॉट स्टॉपिंग, पीपल आर गोइंग टू बी लाइक दिस गाइस आर डिसगस्टिंग. आपको आपका कॉलेज क्रश याद है? हाँ हाँ, हम अभी भी दोस्त है, अभी तो उनकी शादी हो गई है, बट हाँ सब याद है मुझे यार. And since she's married, I have to ask this question to you. आप कभी आपके ex की wedding में गए हो खाना खाने के लिए specially? Actually, मैं उन्हीं की शादी पे गया था. Wow. And yeah, it was a lot of like fun. Yeah, ठीक है यार. हो गया. Yeah. और खाया? खाना अच्छा लगा आपको? याद है खाना? हाँ हाँ, अरे of course यार. She's Gujarati, so I love Guju खाना. तो मुझे बड़ा मजा है. वो थोड़ा sweet रहता है ना. हाँ, तो मुझे बड़ा मजा है. You have had your own ups and downs in yes. career as well. Yes. You know, the first three films didn't work for yeah. you. There have been people who have commented, you know, that oh, his career is over. Haan, haan. Jab wo stress moment mein, aap kya karte the? Aur us moment mein, aapka special khana kya hota tha? I would order Kevinter's milkshake, Oreo mint, and just keep. No, I mean, it's not healthy. See, to be honest. एक चीज़ मैंने जिंदगी में सीखी है और अपने करियर में भी सीखा है, दैट वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज, डोंट मेक थिंग्स, इफ यू आर -50 डोंट टेक इट टू -100 बाय स्ट्रेस ईटिंग और स्ट्रेस ड्रिंकिंग और डूइंग ऑल दोस थिंग्स. डू इट वेन यू आर इन अ गुड स्पेस. सो ऐसे वक्त पे बहुत बहुत ज़रूरी होता है दैट यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर योर सेल्फ देन डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी एल्स टू बी देयर फॉर यू नो. सो ऑफकोर्स आई मीन मेरे करियर के शुरुआत में आई वॉज अंडर द इल्यूजन कि हाँ ठीक है यार, मॉम भी तो इतने सक्सेसफुल एक्टर रह चुके हैं इतने अरसों से, सो मेनी ईयर, सो मेनी पीपल लव हर, रिगार्ड हर, तो आई ऑटोमेटिकली वो सारा गुडविल मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट नथिंग कुड बी फादर फ्रॉम द ट्रूथ. ऐसा होता नहीं है. एंड द फर्स्ट फ्यू ईयर्स वॉज अ स्ट्रगल, बट इन हाइंडसाइट आई एम ग्लैड इट वॉज अ स्ट्रगल, बिकॉज इट इज़ बेटर दैट यू फेस रिजेक्शन एंड यू फेस ऑल दिस एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर. इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड यू कैन टेस्ट योर सेल्फ कि यार डू यू आई एक्चुअली हैव वॉट इट टेक्स. जो सबक जो लेसन्स मैंने अपने फेलियर से सीखे हैं शायद सक्सेस आपको नहीं सिखाता है, बिकॉज वैन द गोइंग इज गुड सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके फिल्म चल रहे हैं, आपके शोज चल रहे हैं, सो यू आर ऑन क्लाउड 9, यू आर नॉट रियली फोकसिंग ऑन अच्छा मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, हाउ डू आई, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे बिजनेस में, चाहे एक्टिंग करियर में, चाहे जिंदगी में, दैट एवरी 1-2 ईयर्स यू कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. आई डोंट वॉन्ट टू स्टैग्नेट एज एन एक्टर, आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टेक अप चैलेंजेस, आई वॉन्ट टू डू रोल्स दैट इवन आई थिंक आई कांट डू टू प्रूव टू माई सेल्फ, नॉट टू प्रूव टू एनीबडी एल्स. आपकी एक फिल्म है जो सबसे ज्यादा लोगों ने बात की थी, एंड दैट वाज एक्चुअली अ फिल्म विद सनी लियोन. इट वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बिकॉज़ ऑफ द वे यू रिएक्ट. देयर आर सम सीन्स इवन नाउ व्हिच आर वेरी फेमस. समटाइम्स इट्स लाइक यू नो वो आदा ना वो ऐसे बंदा होना चाहिए, यू नो दैट व्हाट यू से अल्फा मेल एंड दैट गामा मेल्स ऑन दोस लाइंस. इवन दैट वे मेबी दैट फिल्म डिडंट वर्क फॉर यू, बट दैट वर्क वाज स्पोकन वेल ऑन. या यू नो द नंबर वन रीजन व्हाई आई डिड दैट फिल्म इज बिकॉज़ इट वाज डायरेक्टेड बाय अ वुमन. It, I think I was like the only main lead guy in the movie. There was Naira, there was Sunny in the film, and it was a very female heavy sort of movie. It had a social message ki yaar, you know, society mein agar there's a man and he's unfaithful, he's not committed to his girlfriend or to his partner, log zyada kuch bolte nahi hai. They'll call him a stud hai, player hai, wo rock star hai. But agar ek aurat aise karegi to then straight away she will be slut shamed, she will be called all sorts of very very horrible names. And that is what Sunny's character addresses at the end of the film, you know. So I feel, even though the film didn't work, for me, I'm very proud of it. I'm very proud of everybody associated with the film. I love the music of the film. And I just feel that it had something to say. It was not just some movie, you know. Your personal life, your family life comes under that, you know, attention of sure, you sure. know, people notice that, you know, yeah. even when your mom had her own, you know, fights. Sure. That is one thing. How do you take care of it as a public figure? Because oh, yaar, wo to bahut bahut mushkil
समय था फॉर मी. इनफैक्ट दैट वॉज 10 times हार्डर देन फिल्म नॉट वर्किंग. अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए क्या हुआ था दैट द फिल्म फ्लॉपिंग एट द बॉक्स ऑफिस और ये जितने भी पर्सनल चीज़ें हो रही थी मेरी जिंदगी में और मेरी फैमिली की जिंदगी में इट ऑल कोइंसाइडेड. सो यू नो देयर इज अ सेइंग राइट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. तो यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड लकली आई हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड पीपल आई कैन काउंट ऑन. सो दे गेव मी अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस दे गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू टाइड ओवर दोज टाइम्स. बट या इट वॉज स्टिल बहुत ट्रिकी था बिकॉज क्या होता है ना सी मेरा मानना हमेशा यही है कि चाहे आपकी रिलेशनशिप आपकी खुद की जिंदगी में आपकी फैमिली की जिंदगी में कुछ भी हो इट शुड रिमेन विद इन द फोर वॉल्स ऑफ योर होम. बट अनफॉर्चुनेटली उस केस में थिंग्स हैड जस्ट बिकम ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन थिंग्स वेंट पब्लिक एंड स्टफ एंड ऑल दैट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मेरी मम्मी और पापा अभी एकदम ठीक है. दे हैव सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस एंड ऑफकोर्स मैं एक लौता बेटा हूँ. आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स ना भाई ना बहन. सो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो. आई फील एट आफ्टर अ सर्टन एज यू हैव टू स्टार्ट treating your parents like your children, you know, because they have invested so much in you from the time you are an infant till you grow up to your teenage years, which I think are the most tricky, difficult years, you know. So it is our time to give back. So I just tried to be the mature one over here. I tried being, you know, the negotiator, the middleman, and luckily those times have passed. So yeah, it's all good now. So cheers, we won't touch since you're vegetarian. Cheers. Wow. College ke dino ki yaad aa gayi. Ye bas kha kar. I always believe that acting is done with your face. Your body can keep changing depending on the character. But food is happiness, yaar. Ye sab mujhe nahi karna hai. So good. I have to say something. अगर इसके बाद आपको तनुज बैंड्रा के स्ट्रीट्स पे कहाँ पे भागते हुए दिखे तो you know the reason behind this now, right? Absolutely. You were overweight at one point of time. Yes. How many kgs? How many kilos was I? How many kilos overweight was I? Yeah, how many kilos? I think till the time मैं 17 या 18 साल का था, I was around 90-91 kilos around then. और उसके बाद भी माई वेट हैज़ फ्लक्चुएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट अभी क्या है कि हम लोग बहाना बना सकते हैं ना यार सर ये तो मैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ. बैक देन वी हैड नथिंग लाइक दैट एंड आई फील इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू वे, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू फील. जब आप वजन घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फील फ्रेशर, यू विल फील लेस लथार्जिक, यू विल फील बेटर, आपको नींद भी अच्छी आएगी रात को. यू नो वेयर और टेयर तो होता रहता है नो बिकॉज इट्स अ फिजिकली डिमांडिंग प्रोफेशन यू नो. बट आई जस्ट फील लाइक कीपिंग योर वेट इन चेक इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू जस्ट फॉर अ नंबर और जस्ट फॉर योर फ्रेंड्स और जस्ट टू शो पीपल दैट ओ सी हाउ हॉट एंड सेक्सी आई एम लुकिंग. इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल चॉइस. सो दैट्स व्हाट आई टेल एवरीबडी एंड आई टेल माई सेल्फ ऑल्सो दैट. सो खाओ, इन्जॉय करो, अपने आप को डिप्राइव मत करो, बट कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट. और लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करें सो ओवर द इयर्स आपके खाने में क्या चेंजेस आए हैं एज एन एक्टर बिकॉज़ यू स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो योर टीनएजर्स फ्रॉम योर स्कूल डेज. आई डोंट थिंक मच. आई ट्राई टू जस्ट मैनेज माय इनटेक ऑफ कार्ब्स जितना हो सके. आई ट्राई एंड कीप द कार्ब्स अ लिटिल लो. कभी कभार मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू आर फीलिंग अ लिटिल लो ऑन एनर्जी, बट आई फील दैट डज हेल्प मी. आई हैव डन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो जो मुझे या सो I tried that 16-8 wala thing, but I found that very difficult. So now, sometimes I do the 14-10 thing. That is still manageable. And moderation, na? Like, sab khao. But I just think it's always good to eat ghar ka khana and to know ki what are the ingredients ki aap kya kha rahe ho, you know? Because aajkal bahut milawat hai, bahut pesticides hai. Agar aap vegetables ke bhi baat karo, you know, organic vegetables are a lot better. The kind of meat that you're eating, so many different things, you know? So you should have some knowledge. I'm not saying, yaar, you don't have to be an encyclopedia. Processed food, yeah. So I, as much as possible, मैं aerated drinks और processed खाना नहीं खाता most of the time. चीत दिन तो कभी कभार हो जाते हैं, पर मुझे I have a big sweet tooth. I have a major weakness for chocolate, sweets and ice cream. So that is something that I have to keep taking care of. और आपका cheat meal क्या है? It would definitely be पानी पूरी. Lots of पानी पूरी. यू नो इनफैक्ट एक बार जब हम कॉलेज में थे तो हम तभी पुणे में थे, छुट्टी पे गए थे और हम लोग कॉम्पिटिशन करते थे कि एक इंस्टॉलमेंट में हाउ मेनी पानीपुरीज कैन यू हैव. आई हैव अ रिकॉर्ड, आई हैव ईटन 79 पानीपुरीज एंड देन आई फेल सिक आफ्टर दैट, बट आई 79 पानीपुरीज.
that's what 15 plates or what 14 plates yeah. Akele. That's a lot. Yeah. 79 pani puris, and then the 80th pani puri is like, you know, at the end of it, na, they don't give you the pani, they just How give was you the. How your gut health after that? My, it was the pits. There was no health left in the gut. Maa ke haath ka kaun sa khana aapko bahut pasand Sab. Yeah? Sab. My mother is the world's greatest chef. She is amazing. Wo Indian banati hai, Chinese, Asian, Japanese, Italian, Mexican, sab banati hai. Tandoori, like, she's amazing. And the good thing that Ma does is that even though the food is very good and very eclectic and tasty, it's not rich. It's not heavy. You don't feel after that. So she always keeps health in mind. When you're abroad, what do you miss the most? Nothing, because I manage, yaar. You know, I actually, luckily, bahut kam umar se I've been traveling a lot, so, you know, I have a taste. Like, kya hota hai? Like mujhe sushi bahut pasand hai. Kai log bolte, arre, aap raw fish kaise kha sakte ho? It's gross, is this? But mujhe pasand hai. I like having, you know, agar main kisi desh mein ja raha hu to I like having the food from that country. But of course, agar hum outdoor schedule ke liye jaate hain to kabhi kabhar ek ded mahine ke liye we are out of India and all. So then I miss like simple, I love bhindi. I love like simple tuwar dal. I love sai bhaji. I'm half Sindhi also na. So yeah. We have arbi tooks. Huh. We have dal pakwan. We have all that stuff, you know. So I do miss all Sindhi that. Kadhi. Sindhi kadhi, sail bread. Besan yeah, besan, yeah, all that. Yeah, keema lola. We have all sorts of different Sindhi dishes. Yeah. So I do miss that. And aapne kitni baar khud ke khane ke patterns change ke pyar ke liye? When you have been in love with some girl, you know, sometimes we end up like, hum, achha, wo veg nahi khati hai, toh hum veg bhi nahi. Nahi, nahi, yaar. I mean, I've not loved someone so much also. Yeah. Also, I think, जब आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है, सो यू नीड टू लव देम नॉट बिकॉज ऑफ बट इंस्पाइट ऑफ. सो कई बार मे बी आई डोंट अग्री विद देयर हैबिट्स और दे डोंट अग्री विद माई हैबिट्स, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो इट्स अ फ्री वर्ल्ड एंड एज आई सेड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग थिंग्स इन मॉडरेशन ठीक है. एक मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में जो शी वॉज लाइक हार्ड कोर जैन एंड वेजिटेरियन एंड ऑल दैट. सो जब हम बाहर जाते थे सो शी वुड फील अ लिटिल अनईजी when I would like eating mutton and chicken and nalli and nihari and all that. So main koshish karta tha because I don't want the other person to be uncomfortable ki main wo sab thoda kam khau. But that's about it. Like for example, Kareena Kapoor. Yes. As I can see her there right away. yeah. Oh, wow, yeah. She actually let go of her, you know, non-vegetarian yes. habits for Shahid Kapoor. Yes, yes, she yes. was in the relationship. Yeah. But also I think that was a lifestyle choice and that was a health choice that she made, right? I don't think she necessarily must have done it for him. Maybe he explained to her the benefits of being completely vegetarian. And as you can see, Shahid is extremely fit even now. Like, you know, like he's like he can give people in their teens a run for their money, you know. So I think she made a good choice over there. Yeah. And talking about choices, I have to talk about your career choices. You were asked not to work on Inside Edge. You were suggested by people. Yeah. And now that is such a popular show. I know. It's crazy. I just think it's about destiny. What is in your destiny will happen. Main bas sahi waqt pe sahi jagah pe tha. It's as simple as that. Tab kya hua tha ki One Night Stand had just released aur wo nahi chali thi. So that was my third flop as a leading man, right? And people are like, yaar, isko abhi hero ka dost bana do, heroine ka bhai bana do. Those were the kind of offers coming in. And that's when I auditioned for Inside Edge. Aur phir callback aaya. उन्होंने कहा कि यार वी वॉन्ट टू साइन यू एंड द रीजन वाई सेड येस इज थ्री रीजन्स. फर्स्टली द स्टार कास्ट, यू हैव विवेक ओबरॉय, यू हैव रिचा चड्डा, यू हैव शायनी, यू हैव सो मेनी वंडरफुल, सारा जे अंगद, सो मेनी, संजय सूरी वॉज इन द फर्स्ट सीजन. सेकेंड रीजन वॉज एक्सेल एंड थर्ड रीजन इज कि यार काम नहीं मिल रहा था. सो आई हैड टू जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर वॉज हैपनिंग. बट बहुत सारे ऐसे लोग थे बिकॉज अंडरस्टैंड कि 2016 में OTT स्पेस अपने इन्फेंसी में था. सब बोलते थे यार तुम तो फिल्म एक्टर बनने आए थे, ये क्या है, ये यूट्यूब कंटेंट क्यों बना रहे हो. एंड आई एम लाइक आई डोंट नो, माय गट जस्ट टेल्स मी दैट मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है. एंड आई रियली लाइक द रोल ऑफ वायु राघवन एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. 1.5 ईयर लेटर वी वर नॉमिनेटेड, द फर्स्ट इंडियन शो टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल एमी अवार्ड. सो इट वॉज क्वाइट अ टर्न अराउंड. As we talk about OTT, it's also career changing for you. Yes. You have admitted that. Yeah. And that has given you good breaks and in fact recognition. Yeah. Do you agree with that? 100% yaar. Agar OTT nahi hota mere career mein, toh I don't think I would have a career today. No, aaj kya hai ki I am now trying to make my return to movies, chahe wo web films mein ho, chahe wo feature films mein ho. That's because now at least लोग मानते कि यार ठीक है बंदा एक्टिंग कर सकता है, अलग अलग रोल्स कर सकता है, ही एटलीस्ट ही वोंट गेट टाइपकास्ट, यू नो, दे हैव लिटिल कॉन्फिडेंस. इट्स इंपॉर्टेंट कि इस इंडस्ट्री में आप
कभी कभी चलोगे कभी कभी नहीं चलोगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट पीपल रिगार्ड यू एज अ गुड एक्टर एंड थिंक यार इससे ऐसे काम निकलवा सकते हैं. यू नो एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर बिकॉज नथिंग वॉज वर्किंग एंड आई डोंट पर्सनली थिंक आई वॉज वेरी गुड इन एनी ऑफ दोज फिल्म्स. आई वॉज लाइक इफ आई हैड टू परफॉर्म दोज रोल्स टुडे आई वुड प्रोबेबली डू इट डिफरेंटली. आई डोंट नो बेटर और व्हाट, बट आई वुड हैव डन इट डिफरेंटली. सो आई थिंक एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रीट क्रेडिट टू बिकॉज ऑफ इनसाइड एज कार्टेल कोड एम पॉइजन कई सारे अलग अलग शोज आए हैं. सो मेकर्स आर गिविंग मी बेटर अपॉर्चुनिटीज टुडे. सो यार ओटीटी सेव माई लाइफ सेव माई एस मैन. पर कितनी बार आपको ये कमेंट मिला है ओ ये तो रति अग्नित्रे का बेटा है, यू नो इसको तो ब्रेक मिल जाएगा. एक्चुअली बहुत कम मिला एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ क्या है कि मॉम का स्क्रीन नेम है रति अग्निहोत्री, मेरा स्क्रीन नेम है तानुज बिरवानी. तो कई बार बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सरनेम्स दे हैव नॉट इवन बीन एबल टू जॉइन द डॉट्स, जो मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ. बिकॉज फॉर मी आई वॉन्ट टू बी सेल्फ मेड. आई लव माई मॉम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग माई मॉम हैज डन एंड इज डूइंग एंड विल कंटिन्यू टू डू. बट फॉर मी आई वॉन्ट माई सक्सेसेस टू बी माइन एंड आई वॉन्ट माई फेलियर्स ऑल्सो टू बी माइन. सो ज़्यादा कंपेरिजन लकली मेरे लिए नहीं हुए हैं. सो दैट्स अच्छी बात है मैं मानता हूँ. सेल्फ मेड की बात करें तो पता है एक क्वालिटी होती है हम सेल्फ मेड लोगों में, विच इज़ कितना भी हो जाए किसी और से पैसे नहीं लेंगे, पर वो जो गरीबी वाला खाना होता है वो स्पेशल मील होता है. आई वॉन्ट टू नो वो कौन सा खाना था. मैगी नूडल्स एट 2 इन द मॉर्निंग. Yeah. Yes. है ना? Yes. तो एक अलग फीलिंग आती है. I also, I don't know, people find this gross, but मुझे बहुत मजा आता है जब I have like burnt toast with milkmaid. Try it. कभी तो try करो. Guilty pleasure. Guilty pleasure of the year. Try करना पड़ेगा भी. बिल्कुल. I've never tried that. It's amazing. और आप चाय बना लेते हो? हाँ, चाय बना लेते हो. तो लड़कियाँ अगर लड़का देखने आ रहा है तो चाय से ही बनवाना. Done. हाँ, मैं पूछा. अजी, कितने चम्मच शक्कर लोगे? Talking about लड़कियाँ लड़के, तनुज सिंगल है या नहीं? See, आई बिलीव या तो आपकी शादी हो गई है और या तो आप सिंगल हो. और अब तक मेरी शादी नहीं हुई है. सो तो सिंगल है. मैं सिंगल ही हूँ ना. हाँ हाँ. When that happens, then I'll be like, चलो girls, boys and girls, I'm off the market now. वैसे तनुज फिलहाल काफी मार्केट में डिमांड में है because he's also signed a very good project which is Yoda. Yes, yes, yes. And with Siddharth Malhotra. Yes. And I want to know about that. Well, उस project को लेकर मैं बहुत excited हूँ. I mean, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता हूँ. That we leave for Dharma and the makers to say about it. But it's releasing on the 15th of December. And हर actor की bucket list में होता है कि वो एक Dharma film का हिस्सा रहे. And it's a very important, very interesting role. So you've got Sid Malhotra, you've got Disha, you've got Rashi Khanna, you've got Sunny Hinduja, and you have yours truly. Yeah. It's a thriller, high octane thriller. आपको बॉम्बे के अलावा दिल्ली? Yeah. आपने अभी रफ्तार के साथ में शूट भी किया and you had to be like a दिल्ली boy completely. दबा के खाए. क्या क्या खाया? गोलगप्पे. चाट वाट. खान मार्केट गए थे. करीम्स में खाए थे. Since he said like he's a sober boy, I have to ask this question. मुच्छड़ का पान कितनी बार खाया है और कितना फेवरेट है? I love मुच्छड़ पान वाला. Yeah. Best. वो एक स्पेशल स्वीट सिरप भी देते हैं, उसमें डिप करके खा सकते हो. बचपन से खाते आ रहे हैं मीठा पान. आपकी ऐसी क्या क्या मेमोरीज है खाने को लेके, लाइक यू नो बॉम्बे का लाइक ऐसा कौन सा अड्डा है जो आपने मिस भी नहीं किया होगा? आप छुप कर कभी जाते हो बिकॉज एज एन एक्टर? ड्यूरिंग ईद हम लोग हमेशा वहाँ जाते हैं, मोहम्मद अली रोड. वी लव डूइंग दैट. पासी न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग जाते हैं, जिमी बॉय पे जाते हैं या तो ब्रिटानिया कैफे पे जाते हैं. एक रेस्टोरेंट है चाइना गार्डन करके, तो मैं बचपन से वहाँ जाते रहा हूँ. आजकल मेरा एक नया फेवरेट है कॉल्ड स्लिंक एंड बाडो. इट्स लाइक अ फ्रेंच क्विजीन. सो अलग-अलग फैट्स है, अलग-अलग जगह है, यू नो. तनुज, बट नाउ सिंस यू आर एन एक्टर एंड यू नो मेनी पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, आप अभी कितना कॉशियस हो जाते हो कहीं पे खाना खाने जाने? नहीं नहीं यार, आई मीन सी जिंदगी एक ही है. सो आई डोंट रियली एंड लकली स्पेशली इन मुंबई पीपल डोंट बॉदर, यू नो. एट द मोस्ट पोलाइटली आके सेल्फीज मांगेंगे, ऑटोग्राफ. आजकल ऑनेस्टली ऑटोग्राफ कोई मांगता नहीं, एवरीवन जस्ट वांट्स अ पिक्चर. बट नोबडी हैज एवर बॉदर्ड मी. सो आई कभी कभी ना आई सी सो मेनी सेलिब्रिटीज एंड वेयरिंग मास्क एंड हाइडिंग द फेस एंड ऑल. तो मे बी आई एम नॉट दैट फेमस और मे बी पीपल आर जस्ट नाइस टू मी, बट आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम. दिल खोल के जाता हूँ कहीं जहाँ पे भी जाना हो, खा लेता हूँ, पीता हूँ, चिल करता हूँ. कभी कभी उनके साथ भी चिल कर लेता हूँ. सो इट्स ऑल गुड. सो आई विल गिव यू 5 नेम्स और आपको बॉलीवुड अंदाज में उस खाने को खुद की तरफ ललचाना है. ओके. सो द वेरी फर्स्ट इज मैगी, ऑफ कोर्स. सो आई वुड लुक एट द मैगी एंड आई वुड से कुछ कुछ होता है मैगी. तुम नहीं समझोगी. अच्छा, आई नाउ पानी पूरी. एक कल हो ना हो,
परसों तो उगा और परसों तो हम पानी पूरी खाएंगे साथ में. मसाला डोसा दैट टू वो भी स्पेशली सोफियास कॉलेज के पास का. ओ माय गॉड आई लव दैट. ओ गॉड यस यस यस. एक्चुअली हम कॉलेज के दौर में सोफियास कॉलेज बहुत जाते थे फॉर द गर्ल्स आल्सो बिकॉज़ ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड अमेजिंग यमी मसाला डोसा. तो रिसेंटली जेनिफर और मैं शूट कर रहे थे कोड एम सीजन 2 के लिए. तो आफ्टर शूट रैप्ड अप हम लोग वहां गए एंड आई टोल्ड हर कि जेन आई हैव टू मेक यू ट्राई दिस मसाला डोसा आउटसाइड कॉलेज. तो हम वहां गए थे. तो इसके बारे में अरे हेल्प करो यार. वो स्वदेश का गाना कौन सा सॉन्ग है? ये डोसा वो डोसा हर डोसा. आई डोंट नो दैट्स सो बैड. बट आई लव डोसा स्पेशली दैट सुपर बिग पेपर डोसा ना वे एवरीबॉडी इज स्टेयरिंग एट यू एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड ये खत्म कैसे होगा कब होगा कितने के साथ होगा. सो दैट्स व्हाट आई लव. यार लास्टली टपरी वाली चाय उसके उसको पीने के बाद ना क्रिएटिव थॉट. व्हिच इज दैट सॉन्ग व्हाट टप टप टपोरी. You remember when we were growing up, Baghi, the old... Ek garam chai ki pyaali ho, bum bum chuk, bum bum. Koi usko pilane wali ho, bum bum chuk, bum bum chuk. Chahe gori, we should not say gori or kali anymore. Sine se lagane wali ho. Mil jaye to Tanuj ki life set ho jaye. Pam 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 ta ram pam pam ta ram pam pam ta ram pam pam. On that lovely note, we are going to end this interview. I don't wish to end this because itna interesting conversation chal Tanuj ne kiya hai. I really loved it. Aur hum aise fir milenge chalte chalte next time. Chalte chalte hame rahi pyar ki. Yes. On that note, cheers. Cheers.